सभापति महोदय, आज विशेषकर किसानों के संबंधित इस विषय पर हाउस में चर्चा हो रही। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और देश की जो हालात विशेषकर किसानों के संबंध में, उन सारे आंकड़ों को भी यहां उद्धृत किया गया। मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, परंतु आज जिस प्रकार की जो स्थिति कृषि के क्षेत्र में है, और इसके बारे में हमको विचार करने की आज जरूरत है। आज इस महत्वपूर्ण सदन में ये जो कृषि से संबंधित और किसानों से संबंधित ये जो विषय है, वास्तव में हमको इसके बारे में विचार होना चाहिए कि हमारे देश के जिन प्रदेशों के अंदर जिन राज्य सरकारों ने भी कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सुझाव या जो तकनीक अपना करके कृषि का रकवा सिंचित किया है, उसका रकवा बढ़ाया है और उसके लिए आमदनी का जो जरिया बढ़ाए, आय के संसाधन और किसान को सक्षम बनाने में जो प्रयास राज्य सरकारों ने किया है, उसमें हमारे केंद्र सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है, यह भी एक बहुत पूर्ण हिस्सा है। और सभापति जी, और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों की जहां बात हुई, आज हर प्रदेशों के अंदर वहां जो जमीन की किस्म है, आज उस जमीन के किस्म के बारे में, वहां पर जो खेती का आधार है, जो मापदंड है, उसको भी देखने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र में आज हमारे बहुत से विशेषज्ञ हैं, आज इस बात की तुलना करते हैं, लोगों को सुझाव देते हैं किसानों को कि किसान की पैदावार कैसे बढ़े। आज हमारे सामने इस बात की समस्या है कि वास्तव में जब हम क्षेत्र को देखते हैं, ग्रामीण इलाके और वहां की जमीन की जो किस्म है, चाहे वो बंजर भूमि हो और चाहे दो किस्म की फसल पैदा करने वाली जमीन हो, अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन के भरोसे हम रहेंगे तो मुझे लगता है इस देश में किसानों को जितना हम अपेक्षा कर सकते हैं लाभ के लिए, वो हमको अपेक्षा कि हम पूर्ति नहीं कर सकते। हमको संसाधन जुटाना पड़ेगा और उसके लिए हमको विचार करने की आज आवश्यकता है, संसाधन देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कई विषयों में यहाँ पर चर्चा हुई अनेक क्षेत्रों में, और इसलिए मुझे लगता है चूंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं खेती करता हूं, मैंने देखा है हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं और विशेषकर ग्रामीण इलाकों के अंदर, वहां पर जो तकनीक अपनाई जाती है, उस तकनीक का आधार कितना है, ये सोचने का विषय है, और उसमें से क्रॉप कितना पैदा होता है ये भी देखने का विषय है। जितनी लागत वो किसान अपने खेत में लगाता है और उसके आय कितना प्राप्त होता है उससे जो लागत लगाए, ये भी एक सोचने का विषय है। और इसलिए आज जो किसान मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो गन्ना के किसान खेती करने वाला किसान हो और चाहे वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि देश में जहां पर जिस प्रकार की जो किस्म है, जमीन की किस्म के आधार पर सर्वेक्षण कराने के बाद वहां पर खेती की तकनीक को बढ़ाने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में उसको जोर देने की जरूरत है। जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो, राज्य सरकार की ओर से भी, ये सपोर्ट किसान को मिलना चाहिए उन क्षेत्रों में, ताकि किसान को उसका जितना हमारा जो पैदावार होना चाहिए उसकी कीमत मिल सके। आज देश में आज इसकी आवश्यकता है, यही एक महत्वपूर्ण समय है जब हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। और सभापति महोदय, ये हमारे लिए और किसानों के लिए, मैं देखता हूं कई बार किसान केवल प्रकृति के आधार पर अपनी खेती करते हैं, परंतु उनमें पैदावार नहीं होता, कभी तकलीफ होती। आज लोग जो आत्महत्याओं के लिए जो मजबूर है, बहुत चर्चा होती है आत्महत्याओं के विषय को लेकर, किसान वास्तव में तकलीफ उठाता है क्योंकि उसको उसकी आमदनी का जितना हिस्सा मिलना चाहिए नहीं हो पाता, वो इसके कारण मजबूर है किसान। और इसीलिए इसके कोई तकनीक अपनाना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए क्या हम कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के लिए क्या विषय किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन है, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने
जिस प्रकार के अन्य उपाय किए, मुझे लगता है इसके बारे में आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु ये जो प्रयोग हो रहा है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसान को जो ऋण लिए उनको सहायता देने के लिए, ये हमारे लिए और सरकार के लिए और देश के किसानों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। परंतु जब इस समय जब तकलीफ है, किसान संकट में, प्राकृतिक आपदा है, और इसके साथ आज हमको उनके आंख पहुंचने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में मैं देख रहा था, अभी 16 तारीख काफी अतिवृष्टि हुई, ओले गिर गए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 28 ऐसे जिले जो प्रारंभिक तौर से अभी रिपोर्ट हमारे पास है, और लगभग करीब 2,900 ऐसे 95 गांव सीधे प्रभावित हुए। आज जब फसल खेत में, ऐसी स्थिति में किसान का एक संकट पैदा हो गया, और इस संकट से उभारने का काम हम सबको मिलकर के केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार को करना चाहिए, तभी हम किसान के लिए जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ से उभारने का आज समय है। अगर हमने इसके लिए प्रयास किया तो सरकार को भी कुछ नीतियों में भी, राज्य से हमेशा ये विषय आता है कि राज्य सरकार का विषय है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है सभापति जी, मध्य प्रदेश ने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया है। अपने जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर संसाधन है, उसका कारण यही है कि इसमें परिवर्तन करने के बाद किसानों को अधिकतम सहायता राशि जब प्रभावित समय में, संकट के समय में सरकार ने किया है। मैं यहाँ पर आंकड़ों को बताना नहीं चाहता, परंतु मध्य प्रदेश ने, और उसका उदाहरण ये हम मान सकते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे प्रदेश हैं, और मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार उसको कृषि अवार्ड मिलने का कारण है, ये एक उदाहरण मध्य प्रदेश ने पेश किया है। समाप्त करें प्लीज। और इसलिए सभापति जी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, मैंने इसलिए सिंचाई और उसके संसाधन की बात मैंने किया, आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर 7,00,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, और इन 10 वर्षों के अंदर आज हम 25,000 हेक्टेयर जमीन में हम उस किसान के खेत को पानी दे रहे हैं, और इसलिए 25,00,000 हेक्टेयर जमीन आज मध्य प्रदेश के किसानों को पानी दे रहे। और इसलिए सभापति जी, इस तकनीक की आवश्यकता है, संसाधन देने की जरूरत है, और इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की चिंता करें, और तभी हम इससे ऊपर उठा सकते हैं, किसानों को ताकतवर बना सकते हैं, किसानों को ठीक प्रकार की उनको हम सहायता दे सकते हैं, उनका समर्थन मूल्य हम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।